पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जिसने परम ब्रह्म को जान लिया उसने जितना भी संसार का सुख है वह सब प्राप्त कर लिया, शेष कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। अब सत्यम ज्ञानमंतम ब्रह्म, अब यहाँ आते हैं निवृत्ति में। हम अपौर से वेद वाणी से सुनते हैं कि ब्रह्म सत्य है, ये वेद वाणी को अपौर से मानते हैं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बोली गई, ठीक है। उस ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, वह अंतःकरण में ही अवस्थित है। तो हमारे मन में उसके अस्तित्व के संबंध में जो संदेह है उसकी निवृत्ति उस ज्ञान से हो जाती है। चार महावाक्य हमारे वेदों में बतलाए गए, ये वेदों के नहीं, इन्होंने बल्कि उपनिषदों ले रखे हैं। चार महावाक्य हमारे वेदों में बतलाए गए हैं, जिनमें अथर्वेद का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, यजुर्वेद का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, सामवेद का महावाक्य है तत्वमसि। तो ये चार महावाक्य बतलाए गए हैं। चार महावाक्यों को लेकर अर्थ किया जाता तो जाए तो चारों का अर्थ एक ही हो जाता है, तत्त्वमसि। तत्वमसि ये तीन पद हैं। जिस प्रकार दस ये अपनी तरफ से बना के दस आदमी अपने आप को ना गिने ऐसे, तो इसका अर्थ ये सीधा सा हो गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये अर्थ है इसका। तत्त्वमसि वह तू ही है। आगे इसको बहुत अच्छी तरह उदाहरण देकर समझाया इन्होंने। ये देखिएगा पंचम दिवस पांचवें दिन में जो इन्होंने प्रवचन किए, श्री स्वरूपानंद जी ने धर्मरथ 62 पर ये प्रकाशित है। पंचम दिवस यहाँ उपस्थित विद्युत बंधुओं, देवियों और सज्जनों, कल आपके समक्ष महावाक्यों की चर्चा हुई थी, चार वेद और उनके चार महावाक्य। यह हमने बतलाया था कि उत्तर दिशा का वेद अथर्वेद, वहां का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म। यहां देखिए तो इन महावाक्यों के का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म का अभेद, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अब जैसे तत्वमसि में तत् पदार्थ ईश्वर है और ईश्वर पहले, यहां कति क्लियर किया इन्होंने, कहीं ईश्वर तो पहले रखकर जीव के साथ उसकी एकता बताई, इन महावाक्यों के अर्थ किए इसने, और कहीं जीव को रखकर ईश्वर के साथ एकता बतलाई है। अब जैसे तत्वमसि इसमें तत् पदार्थ ईश्वर है, तत् तत्वमसि में तत् तो ईश्वर है पहले है और तोम पदार्थ जीव बाद में है, किंतु अहम ब्रह्मास्मि अहम पदार्थ वाचार्थ जीव है, यानी जीव कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम तो जीव है और जीव को पहले रखा है और ब्रह्म को पीछे रखा है। अहम आत्मा में भी आत्मा को पहले और ब्रह्म को पीछे रखा है, और प्रज्ञानम ब्रह्म में भी ये स्थिति है, प्रज्ञान का अर्थ जीव है और वह ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म जीव है, जीव ब्रह्म है, इसका अभिप्राय है। अब आगे इन्होंने बताया कि ये हमारे महावाक्य है ना अहम ब्रह्मास्मि, यानी एक मठ से जुड़े हुए जितने भी अक्षेत्र के व्यक्ति हैं वो तो ये जाप करो, ये वाक्य भगवान से मिलाने वाले हैं, इसका जो है ना जैसे वो साधना बताते हैं, इसकी साधना करो समाधिस्थ में, ऐसे विचार रखो अहम आत्मा ब्रह्म, और दूसरे मठ के करो तत्वमसि, तीसरे मठ के ये अभ्यास करो कि प्रज्ञानम ब्रह्म, और चौथे मटके फिर वो बता रखे उन्होंने सबके नारे नारे अहम ब्रह्मास्मि ये वाक्य करो, तो ये भगवान से मिलाने वाले हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 63 पर, इसी धर्मरथ के प्रश्न नंबर 63 पर लिखा, परमेश्वर से मिलाने वाले हैं हमारे महावाक्य, ये हमें परमेश्वर का बोध कराते हैं, यह बात समझ लेनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति नहीं,
एक तो वस्तु किसी देश में हो, भिन्न काल में हमसे भिन्न हो, तो हम उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। जब हमें प्राप्त हो जाती है तो कहते हैं कि हमने प्राप्त कर ली, हमें प्राप्त हुई, अब प्राप्त हुई। किंतु परमात्मा के संबंध में यह बात नहीं है। परमात्मा तो जीव को प्राप्ति है, वह नित्य प्राप्त परमात्मा में अप्राप्ति का भ्रम हो गया। जैसे किसी के गले में माला पड़ी है और वही किसी कारण से वह भूल गया और किसी ना के बता दिया, तो वो माला देखकर कहेगा हाँ मिल गई। वह अप्राप्य कहाँ थी, अनमिली कहाँ थी, पहले से ही मिली हुई माला थी। उनसे न मिलने का जो भ्रम था वह दूर हो गया तो मिल गया। इस प्रकार परमात्मा सबसे मिला हुआ है, केवल उस परमात्मा को न जानने के कारण हमारी परेशानी है। सबके हृदय में परमात्मा है, वह परमात्मा सबको प्राप्त है। आगे इसने और कुछ बताने की चेष्टा की। अब इसका सारा कुछ निष्कर्ष ये निकला कि जीव ही ब्रह्म है। और यहाँ फिर देखो आगे इनके वर्तन सुनते रहिए, फिर निष्कर्ष क्या निकलेगा देखना, फिर कमाल होगा। अब 66 पृष्ठ पे क्या कहा है कि ब्रह्म से भिन्न किसी और की सत्ता नहीं है, ब्रह्म से ऊपर कोई नहीं है। फिर अब 67 पर क्या कहा धर्मरथ में, वह ब्रह्म ईश्वर कहलाया, सविशेष ब्रह्म था, उसमें जो शक्ति थी शुद्ध सात्विक अंश की उपाधि से वह ब्रह्म ईश्वर कहलाया। अच्छा फिर लेते हैं देखना, ये देखिएगा धर्मरथ 56 पृष्ठ पे, जिसने परम ब्रह्म को जान लिया, परम ब्रह्म, उसने जितना भी संसार में सुख है वह सब प्राप्त कर लिया। ये परम ब्रह्म और याद रखना, इनके सारा ज्ञान समक्ष हो जाएगा आपके। ये देखिएगा संकर पंचम, एक पुस्तक है संकर पंचम, और ये आदि शंकराचार्य विरचित पंचम ग्रंथनाम संग्रह, ये आदि शंकराचार्य के वचन है। ये देखना तो आदि शंकराचार्य के वचन है तो समझ ले सब के फाइनल है फिर इसमें। और ये कौन है नीचे, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज व्याख्याकार, व्याख्या इन्होंने की है इसकी। और ये कहाँ से छपी है पुस्तक, ये है शंकर पंचम, तो श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा ये शंकर पंचम। प्रकाशक हैं श्री शारदा पीठ प्रकाशनम द्वारका इतने इतने जामनगर गुजरात में, और मुद्रित है श्री माता कमसिस प्राइवेट लिमिटेड 27/125 केदार घाट वाराणसी दूरवास इतने। इन्होंने कति स्पष्ट कर रखा है। अब ज्ञान का स्वरूप प्रश्न नंबर 10 पे देखिएगा, ज्ञान का स्वरूप, ये कोई संस्कृत है जो शंकराचार्य द्वारा लिखी, अनुवाद किया श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी ने। मैं सम शांत सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूँ, अस्त स्वरूप दे मैं नहीं हूँ, असत रूप ब्रह्मो अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। ब्रह्मो व अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, ये इनका विधान है। मैं स्वयं निराकार निर्मल अविनाशी एवं निराकार हूँ, इव इनका ओड आवगा इनके ज्ञान का, देखिए। और ये क्या कहते हैं, ये प्रश्न नंबर 71 पर देखिएगा, 71 पर, मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं और वही सच्चा जीवन मुक्त हूं, जीवन मुक्त जो इस तरह मान ले मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं, ऐसा अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा संपूर्ण कर्म बंधनों से वह ज्ञानी सर्वथा मुक्त हो जाता है। अब कर्म कितने प्रकार के, हम यह पूछेंगे समझेंगे कि प्रश्न है कि प्रारब्ध कर्म क्या है। इसने डिफाइन किया, परिभाषित किया कि इस शरीर को उत्पन्न कर इस लोक में इस प्रकार सुख दुख आदि भोग को देने वाले जो कर्म है, सुख और दुख को भोग देने वाले कर्म है, वे प्रारब्ध कर्म माने जाते हैं। जब यह शरीर तैयार किया गया उस समय इसके साथ जोड़ दिए जाते हैं, जो भोग से ही नष्ट होते हैं, ये तब भोगने ही पड़ेंगे जब वह खत्म होंगे। प्रारब्ध कर्मों का नाश भोग से ही
होता है, ऐसा शास्त्रीय वचन है। चाहे वे कर्म धर्म में हो या अधर्म में, उनका फल भोगना पड़ेगा ही। फिर क्या बताया है इसी के नीचे, ये प्रश्न इकहत्तर पर पढ़ रहे हैं हम, प्रश्न इकहत्तर पर, कि यह है प्रारब्ध कर्मों का फल तब भोगना ही पड़ेगा। मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, आदरणीय शंकराचार्यों का जो मत है, एक तरफ तो ये कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, इसकी कोई और सत्ता नहीं है, और कोई नहीं है, ये जीव ही सृष्टि रचने वाला, यही सबका मालिक, ये स्वयं ही परमात्मा है। इनका एक तरफ तो ये आपने निश्चय कर लिया। अब ये कथा क्या सुनाते हैं, और ये पुजारी किसके हैं, श्री विष्णु जी के, नारायण जिसे कहते हैं, श्री वराह जी के, जो विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया था, और इन श्री शंकर भगवान के। अभी ये भगवान की तरह गए, जब तुम आप भगवान हो, जीव ही ब्रह्म है, तो फिर इनकी पूजा किस लिए। इसको कहते हैं उवाबाई का ज्ञान, जिसका कोई सिर पैर नहीं हो। अब देखना, प्रवचन प्रसून एक पुस्तक है, ये है आदरणीय श्री स्वरूपानंद शंकराचार्य जी, देखिएगा, अनंत श्री विभूषित ज्योतिषमठ पीठाधीश्वर, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, यानी दो पीठों के मालिक हैं, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, ये वही दंडी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, दंडी स्वामी श्री द्वारका शारदा पीठ, प्रकाशक हैं स्वामी सदानंद सरस्वती श्री शारदा पीठ द्वारका गुजरात, और ये यहाँ से मुद्रित है। ये यहाँ से मुद्रित है, अंबिका ऑफसेट मीठापुर जामनगर गुजरात से, ये दो शब्द। इस ग्रंथ में पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित योगीराज स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा 1967 में नवरात्रि के पावन अवसर पर चाईबासा झारखंड में दिए गए प्रवचनों का संकलन है। ठीक, अब आ जाओ इनके वचन देखियो। ये सातवां वचन इनका, सप्तम प्रसून, सातवां सत्संग, सातवां दिन जो सत्संग रहा। भगवान अत्यंत सुशीलवान है, उनके हृदय में करुणा अरुणालय उमड़ता है, वही कृपा घन बनकर समय समय पर भक्तों तथा अभक्तों सब पर बरस जाया करते हैं। उनकी उदारता का, सुशीलता का अति उत्कृष्ट निर्देशन है कि वह अपने तथाकथित शत्रुओं पर भी, खलों और महादुष्टों पर भी दया की दृष्टि रखते हैं, और अपने हाथों से मारकर उन्हें परम गति देते हैं। प्रभु खलोद्धार का कार्य स्वयं करते हैं, यद्यपि उनकी कृपा से उनके सेवक भी उस कार्य के करने में समर्थ रहते हैं। रावण का वध सभी, विशेषकर हनुमान और अंगद कर सकते थे, किंतु उनकी कृपा, तो देखिए स्वयं को, उसको स्वयं सदगति देते हैं। रावण को भगवान ने अपने हाथा मारा तो उसकी सदगति होगी, ठीक है। भक्तों के कल्याण हेतु भी वह स्वयं आते हैं। द्रौपदी की लाज स्वयं द्वारका से दौड़कर बचाई थी। ओह, और देखिए गज के रुदन पर नगन पद नंगे पैरों दौड़े थे। अब फिर क्या बताया है, अब आगे उन्होंने क्या कहा, भक्तों के कल्याणार्थ भगवान का स्वयं आना अर्थात अवतार लेना केवल हिंदुओं के सनातन धर्म में है। ईसा प्रभु के पुत्र थे, प्रभु नहीं, मोहम्मद साहब पैगंबर थे, दूत थे ही थे, साक्षात प्रभु नहीं।
किंतु हमारे अवतार ये स्वयं ही हैं, उनमें वे स्वयं ही अवतरित होते हैं। कृष्ण तो साक्षात पुराणस भगवान है, पुराणस भगवान ही थे। कहा गया कि कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, यही बात भगवान राम के संबंध में भी है, राम अस्तु भगवान स्वयं। फिर वह जीव बाढ़ में गया, जीव जीव को बताऊं थे जीव ही ब्रह्म है, वो जीव कहाँ गया जो भगवान श्री कृष्ण भगवान है, ब्रह्म है, तो जीव कहाँ रहा? फिर आत्मा की क्या स्थिति रही? अब इसको कहते हैं, ऐसी कथा सुनाते हैं ये शंकराचार्य जी कि श्री कृष्ण भगवान है स्वयं। श्री कृष्ण इज विष्णु और विष्णु इज सतगुण विष्णु, इनकी तो ऐसी कथा है जैसे आज आपको दिन में भी बताई थी कि बुढ़िया शाम के समय बच्चों के सुलाने की ड्यूटी लागी एक दादी की, और बच्चे सोए नहीं, शरारत करें, वो कहने लगी बच्चों सो जाओ। एक मकान पर एक भूतनी बैठी थी, बड़ी बड़े दांत थे, मोटी मोटी आंख थी और पैर मुड़े हुए मुंडेर पर बैठी थी, पैर उसके मुड़े होते हैं, और जो बच्चे सार रात को देर तक जागते हैं उनको दौड़ के उठाकर भाग जाती है, दौड़ जाती है। अब उन बच्चों ने पूछा, दादी माँ जिसके पैर नहीं वो दौड़ेगी कैसे? कहने लगी सो जा हाउ आ जाएगा। तो बच्चों ने पूछा, दादी माँ हाउ कैसा होता है? कि तुम्हारे ही जैसा है, बस कोई भिन्नता नहीं है। इनका वो ज्ञान है, इन शंकराचार्यों का, कहते हैं आत्मा क्या है, आत्मा तो स्वयं ही परमात्मा है। और दिखाते हैं आपको, देखिए इनका उदाहरण, ये देखिएगा एक पुस्तक है धर्मरथ, ये आपको पहले भी दिखाई थी, और ये इन शंकराचार्यों के विचार हैं ये इसके अंदर। प्रकाशक स्वामी सदानंद सरस्वती शारदा पीठ प्रकाशनम द्वारका जामनगर गुजरात। इतना इसकी प्रस्तावना से स्पष्ट है, ये मुद्रक है अंबिका ऑफसेट मीठापुर शारदा पीठ प्रकाशनम। इसमें स्पष्ट लिखा प्रस्तावना में कि इस धर्मरथ नामक प्रकृत ग्रंथ पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री मजद गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से निश्रित वाक सुधा का सार संग्रह है। अब देखना इसके 58 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको, इनके उदाहरण देखा हसी आवे। ये देखिएगा, ये पृष्ठ नंबर 59 पर ये क्या उदाहरण देता है श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य, दो पीठों का मालिक। एक शिष्य गुरु के पास गया, जाकर गुरु से पूछा, महाराज यह बतलाइए कि वह देव कौन है जिसके ज्ञान से समस्त पासों से मोक्ष हो जाता है? देवता को जानने पर समस्त पासों से प्राणों का छुटकारा हो जाता है, पास माने बंधनों से। गुरु बोले कि साक्षी देवता कौन है जो मन को जानने वाला है? तो उसने विचार करके कहा, मन का साक्षी तो मैं ही हूँ। शिष्य ने कहा, क्योंकि मेरे ही द्वारा मन जाना जाता। तो गुरु जी बोले, तू ही देव है, क्योंकि देव अनेक तो है नहीं, श्रुति में कहता है एक ही देव है, इसलिए तू ही देव है। अब ठीक हो गया। अब दास ने आपको कथा सुनाई कि दादाजी ने बोली वो आओ तुम ही हो, तो ये झुंझ ला कर नो कहा वो देवता तू ही है, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी? अब देखो, एक तरफ तो ये क्या ज्ञान सुनाते हैं और फिर भगवान की महिमा गाते हैं कि ईब जब इसके हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुण्यात्मा दास ने आज के सत्संग के प्रारंभ में एक शब्द बोला था कि 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी के पास भी सत्संग नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। अब जिसका खामियाना पूरा मानव समाज भुगत रहा है, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं करके इनकी कैसी बुरी हाल हो रहा है,
पितर बनते हैं, प्रेत बनते हैं, फिर यही धर्मगुरु उनके श्राद्ध निकलवाते हैं, जबकि वेदों और गीता में इन कर्मकांड को मना किया हुआ है। अब ये किसकी पूजा करते, पहले आपको दिखाते हैं इन वर्तमान के शंकराचार्यों को तो ज्ञान होगा कहाँ, इनके भगवानों को ज्ञान नहीं। श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री व्यास जी जो इनके धर्म गुरु कहलाते हैं, उनको ज्ञान नहीं तो इनको ज्ञान कहाँ से होगा, इनके पास सत्संग कहाँ से होगा। कोरा अज्ञान शास्त्र विरुद्ध ज्ञान सुना रहे हैं, देखिएगा। श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके देखिएगा 28 पृष्ठ पे, अब व्यास जी जो इनकी धर्म गुरु शंकराचार्य परंपरा के गुरु हैं, वो क्या पूछते हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवादि देव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। ये कहने का भाव ये विष्णु जी हैं। आगे देखो, चार भुजाएं हैं, पीताम्बर धारण करते हुए शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, वक्षस्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, विष्णु जी तपस्या कर रहा था, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहा है, तुम तो सब कुछ तू ही आप ही हो, और किस देवता के आराधना में ध्यान मगन है, आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस भगवान की पूजा करते हो। मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अपनात्मा ब्रह्मा जी के ये विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि श्री विष्णु जी फिर न्यों बोले, क्या बोले। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ है और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते और मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेषनाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ, अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कृत्य हो जाता है। और यहाँ कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है।
उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, यानी दुर्गा की ध्यान करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब ये है सत्संग श्री विष्णु जी का स्पिरिचुअल नॉलेज कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान को नहीं जानता, यही मेरा अंतिम देवता है, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं। इन शंकराचार्यों को ज्ञान कहाँ से होगा, इनको भगवान को ज्ञान नहीं, इनके दुर्गा से ऊपर कोई नहीं। अब दुर्गा क्या कहती है, श्री शक्ति देवी क्या कहती है, देखिएगा इसी के 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। वो अपना पहला सकंद पढ़ा था, अब ये सातवां सकंद है। संक्षिप्त श्री देवी भागवत 562 पृष्ठ पे यहां देखिएगा। अब देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब देवी जी पहले तो अपने विषय में बताती है कि तुमने डले ढोने हैं तो मेरी पूजा कर लो, लेकिन उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो ब्रह्म प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वह यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य। उस वेद ने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिष्ठ में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अब क्या बताया कि प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब क्या कहती है दुर्गा देवी, क्या कहती है कि एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। हर विष्णु जी ने कह है, विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी को नहीं जानता। अब यहाँ देवी जी कह रही है, श्री दुर्गा जी कह रही है कि एकमात्र ब्रह्म को जानो और सब बातों को छोड़ दो। अपनी पूजा को भी कहती है कि नहीं ये भी मत करो, केवल एक उस ब्रह्म की पूजा करो। देखना उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है, संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का ही सुलभ साधन है। देखो इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। ये कहाँ गए वो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। अब क्या कह रहे हैं हमारे साथ सदग्रंथ और देवी क्या बता रही है, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। यानी कोई अन्य आत्मा परमात्मा है, वो अन्य सबसे अलग है, ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है, वह है यह सबका आत्मा यानी सबका मालिक ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अपने आत्माओं इन शंकराचार्यों का ज्ञान कहाँ गया, वो ये कहते हैं ये जीव ही ब्रह्म है। और देवी कहती है कि सब पूजाएं छोड़ दो। विष्णु को तो समझा रही है, हरियाचार्य शंकराचार्य पूज विष्णु जी नारायण को। विष्णु जी कहता मैं दुर्गा से ऊपर जानता नहीं,
हिमालय को ज्ञान दे रही है, श्री दुर्गा जी बता रही है कि केवल एकमात्र उस ब्रह्म को पूजो, उसका ओम नाम है, नथिंग एल्स। और वो कहाँ रहता है ब्रह्म लोक में, तो वहां चले जाओगे, उसके पास पहुंच जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहती है ब्रह्म की पूजा करो। अब ब्रह्म क्या कहता है श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 हम आपको दिखाते हैं। ये क्या बताता है 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम यह एक अक्षर है जो उच्चारण करके श्रवण करता हुआ, यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाते जाता है ये श्रवण करता हुआ, स याति परमाम गतिम जो ओम से मिलने वाली, इन्होंने शुरू किया ओम ओम, यह इनका अनुवाद है, यह एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, अक्षर रूप ब्रह्म को नहीं, ये को कहता माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। निचिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ पुरुष परम गति को प्राप्त होता है, यानी ओम से होने वाली जो परम गति है ये ओम, और इन्होंने इस ओम को ऐसे लिखा अनुवाद में ओम ओम, ये समझो चाहिए समझो। अब ये तो है, कहता है मेरी साधना करनी है मुझ ब्रह्म की तो मेरा एक ओम मंत्र है। फिर इसने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि सचिदानंद घन ब्रह्म, उस सचिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने से तेरा पूर्ण मोक्ष होगा, फिर वहां पहुंच जाएगा, जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर कभी संसार में नहीं आते। अपनी स्थिति को गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी स्थिति तो नाशवान है, मैं भी जन्म मृत्यु के अंदर हूं और तू भी अर्जुन। देखिएगा अध्याय नंबर 2 का अब श्लोक नंबर 12 देखो, अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। हो गया स्पष्ट के गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं भी, जन्म मृत्यु होती है, पहले भी थे तू और मैं, आगे भी होंगे, और ये ना सोच के हम वर्तमान में ही, आगे देखना 4 जाएंगे, अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है, यहाँ इसकी संस्कृत है, यहाँ इसका अनुवाद है। ए प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। और फिर 9 में क्या कहा है, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 9 में, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। अब अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी जन्म तो होता है लेकिन मेरे से उत्पन्न ये देवता नहीं जानते। देखिएगा अध्याय नंबर 10 का मंत्र नंबर 2, मेरी उत्पत्ति को, गीता ज्ञानदाता कहता मेरी उत्पत्ति को, लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं, न महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता का की उत्पत्ति तो है लेकिन ये इससे उत्पन्न, इसके पुत्र रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, फिर इनसे आगे उत्पन्न जितने भी ये देव देवता हैं, ये इस ब्रह्म के जन्म डेट ऑफ बर्थ को नहीं जानते। अब जैसे संतान की डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मदिन को पिता बता सकता है, लेकिन पिता की उत्पत्ति को बच्चे कैसे जाने, उसको कौन बताता है, दादाजी बताते हैं, पिता के पिता, तो सबके पिता वो कबीर परमेश्वर हैं, वो बंदी छोड़ कबीर साहेब हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है, सचिदानंद घन ब्रह्म है, उस परमेश्वर ने आके बताई है इस
सर इस ब्रह्म की उत्पत्ति, क्योंकि वो उसी का द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। तो अपने पुत्र की उत्पत्ति, अपने अन्य संतान की उत्पत्ति, पोते पोतरों की उत्पत्ति दादाजी को खूब याद होती है। लेकिन ब्रह्म कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति तो हुई है। ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल बोलता है, ब्रह्म बोलता है। ये कहता है कि मेरे कर्म और जन्म अलौकिक होते हैं। अलौकिक कैसे होते हैं? स्वयं किसी के सामने प्रकट नहीं होता, ये गुप्त रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट किया है इसने, देखिएगा। अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 24 में, बुद्धिहीन मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते। इसका अर्थ हम ऐसे भी पढ़ेंगे, इन तड़ंगा करने की चेष्टा की है, क्योंकि जहां की समझ में नहीं आया इन्होंने गलती कर डाली। देखना, व्यक्तिम अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मनन्ते, अव्यक्तम माम मुझ अव्यक्त को ये बुद्धिहीन मेरे अनुतम यानी घटिया विनाशी परम भाव को यानी विशेष नियम को नहीं जानते। मुझ अव्यक्त को मैं छुपा रहता हूँ और मुझे ये व्यक्तिम यानी मनुष्य रूप में कृष्ण रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण। क्यों? अब 25 में बताया, देखिए इसका यह अनुवाद किया है, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, छुपा रहता हूँ मैं। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी को, अविनाशी परमेश्वर नहीं, अविनाशी को नहीं जानता, और ये मुझे इसलिए ये व्यक्तिम, ये देखो ये 24वां श्लोक है, व्यक्तम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते माम अबुधे। ये बेबुद्धि के लोग, बुद्धिहीन व्यक्ति मुझ अव्यक्त को, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, ये मुझे व्यक्तिम यानी मनुष्य रूप में श्री कृष्ण रूप में आपनम माने आया हुआ प्राप्त हुआ मनन्ते मानते हैं। ये मुझे मुझ अव्यक्त को यानी मुझ छुपे हुए को, मुझको मनुष्य की भांति जन्म लेकर श्री कृष्ण की तरह मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने तो ये कैसे कि उन्होंने जन्म नहीं लिया, उनके माता हैं पिता हैं, श्री राम रूप में वही विष्णु आए उनका जन्म हुआ। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि ये क्या कहता है कि मेरे कर्म अलौकिक हैं और जन्म अलौकिक है। कैसे? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके यू सारा अनर्थ जुलम करवा दिया इसने और पता भी नहीं लग गया कौन कर गया, श्री कृष्ण के सिर पर दर्द दी कि इन्होंने महाभारत का युद्ध करवाया, जबकि श्री कृष्ण जी तो मना कर रहे थे, 3 बार शांति दूत बंद कर गए, आखिर में ये फैसला भी ले लिया कि मैं युद्ध भी नहीं करूँगा। तो क्या वो युद्ध करवाने की सलाह दे सकते? नेवर। ये काल करह ऐसे अड़ंगे। अब ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इसके कर्म दिव्य कैसे हैं? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत का युद्ध करवा दिया, जुल्म करवा दिया और गीता का ज्ञान दे दिया, ये इसके कर्म। ये कैसे प्रवेश करता है अब दिखाते हैं। अब देखिएगा श्री विष्णु पुराण, इसके संपादक कौन है? अनुवादक हैं श्री मणिलाल गुप्त। ये कहाँ से मुद्रित है एवं प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। ये देखिएगा इसके चतुर्थ अंश, चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 2 और 233 पृष्ठ पे, पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, देवताओं और राक्षसों का आपस में युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की
तब आदि अनंत सुन अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, उसके विषय में यह सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर, यानी कुछ समय के लिए, संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब आगे फिर दिखाते हैं और कंसेप्ट क्लियर। 242 पृष्ठ पे यही हुए चतुर्थ अंश, अध्याय नंबर 3 और पृष्ठ नंबर 242 पे श्री विष्णु पुराण। तीसरा अध्याय। पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुतित किए जाने पर उसके शरण करने से जिसकी विकसित कमल सदृश आँखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन दलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यो नासों के पुत्र मान धाता का जो यह पुरकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर उसमें प्रवेश करके प्रेत की तरह मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। पुणात्मा, ये अध्यात्म ज्ञान है, ये बालकों का खेल नहीं। ये शंकराचार्य तो सेत प्राण पर लागे रहे, इन्हें पता नहीं क्या करना है, कौन सा भगवान है। वह सुनी सुनाई दंत कथा जनता में फीड कर दी इन्होंने। अब इसमें क्या स्पष्ट हो गया कि ये ऐसे, इसके जन्म और कर्म ऐसे अलौकिक हैं। अब कर्म इसके यूं अलौकिक हैं, पुरंजय में प्रवेश करके और उसके राक्षसों का नाश कर दिया इसने स्वयं, और फिर मानदाता के पुत्र उसमें प्रकुत्स में प्रवेश करके भूत की तरह और वहाँ फिर उन गंधर्वों का नाश कर दिया। अब पुण्यात्माओं, इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, उसको मालूम था इस काल को ये कौन है, ये कौन है, अगर ये समझ में आ गया इस पुण्यात्माओं के, तो फिर बात तो खत्म हो जाएगी। ये है श्री ब्रह्मा रजगुण श्री विष्णु सदगुण श्री तमगुण शिव जी का पिताजी। ये काल है, ये सदा शिव कहलाता है, ये ब्रह्म है ब्रह्म, और ये नहीं चाहता कि ये प्राणी सत ज्ञान को प्राप्त हो, इसलिए ये अज्ञान फैलवाता है। और ये क्या करता है, जैसे इन देवताओं ने प्रार्थना की तो विष्णु रूप धारण करके खड़ा हो गया इनके आगे, क्योंकि विष्णु रूप में पूज रहे थे वो, कौन ये काल स्वयं। और फिर इनसे कह दिया कि ठीक है, मैंने तुम्हारा जो अभिष्ट है वो जान लिया है, और तुम ऐसे ऐसे उस पुरंजय को तैयार करो और मैं उसके शरीर में प्रवेश करके न मार दूंगा। ऐसे ही इसने फिर पुरकुत्स के शरीर में प्रवेश होकर, कोई नाग ये सर्प नहीं, एक नाग गोत्र के मनुष्य थे, अच्छी आत्माएं, उनके साथ इनका गंधर्व के साथ युद्ध हो गया। तो उस नागेश्वरों ने जो प्रस्तुति की विष्णु भगवान की, युकाल खड़ा हो गया विष्णु रूप धारण करके, इसने प्रण किया हुआ कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं देता। तो ऐसे उसने आकर के फिर उन्हें प्रार्थना की, तो उसने कहा ठीक है चलो मैं आता हूँ, और तुम प्रकुत्स को तैयार करो, मानदाता के पुत्र को उसमें प्रवेश करके गंधर्वों का नाश कर दिया। तो ये ऐसे इसके कर्म और जन्म, इसके ऐसे कर्म अलौकिक हैं, और ऐसे गीता जी का ज्ञान बोला श्री कृष्ण में प्रवेश करके इस काल भगवान ने। ये काल भगवान कौन है,
जैसे कि शिव पुराण में आपको दिखाया था विद्वेश्वर संहिता के अंदर कि ब्रह्मा एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया। इस बात पे ब्रह्मा जी कहते मैं भगवान, मैं तेरा बाप, विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप, इन दोनों का युद्ध हो गया इससे बात पे, क्योंकि इन सबको भ्रम हो जाता है कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। अब ये भी कैसे बात बिगड़ती है, जैसे ऋषि लोग साधना करते हैं, समाधिस्थ होते हैं, काफ़ी वर्षों तक बैठे रहते हैं, किसी को तो ये विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो साधक उठ जाता है और जाके श्री विष्णु जी जो सरगुण देवता उनके सामने रहते हैं उनके विषय में कहता है कि ये भगवान है स्वयं विष्णु जी और यही सारी सृष्टि के कर्ता हैं, यही तीनों रूप बना के ऐसे ऐसे करते हैं, सहर्ष तिथि और उत्पत्ति यही खुद करते हैं, मैंने समाधि दशा में देख लिया यही भगवान है, मैंने मुझे दर्शन दिया इन्होंने और दर्शन दे गया ब्रह्म काल। तो विष्णु जी को ब्रह्म हो गया कि आई एम गॉड। इसी प्रकार किसी को इसने ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए, उसने ब्रह्मा जी की महिमा गा दी कि ये पूर्ण परमात्मा, ये छुपाए हुए अपने आप को, तो ये ब्रह्म हजारों ने सैकड़ों की संख्या में ऐसे उनके समर्थक हो गए, ऐसे विष्णु जी के हो गए, इन दोनों को भ्रम हो गया। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि मैं उत्पत्ति करता हूँ, सब कुछ मैंने ही उत्पन्न किया है। इसी भ्रमणा से, इसी भ्रम में इन्होंने आपस में युद्ध कर लिया, तब इनके बीच में एक स्तंभ छोड़ा, एक पिलर तेजो में स्तंभ छोड़ दिया, इनका युद्ध तो बंद हो गया, उसकी खोज करने लगे ऊपर नीचे कितना लंबा चौड़ा है, ये असफल रहे। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया शिव जी का रूप धारण करके अपने पुत्र का, थोड़ी सी झलक दिखानी पड़ेगी नहीं तो फिर आप विचलित हो जाओगे, या अधिक नहीं दिखाएंगे आपको, थोड़ा सा झलक देंगे, आप समझदार हो, देखिएगा। ये शिव महापुराण है हिंदी टीका सहित भाग एक, श्री शिव महापुराण, श्री शिव महापुराण है ये, और ये है विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, इसमें संस्कृत भी है, और ये खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। मुद्रक में प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई, मुंबई। अब यहां देखना इसके 11 पृष्ठ शुरू करेंगे। विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण, विद्वेश्वर संहिता भाग एक अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों के संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से ही वहां आ गए और उस सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु भगवान से पूछने लगे। ब्रह्म ज्ञानी क्या का ब्रह्म ज्ञानी, देखो इसे ब्रह्म ज्ञानी है ये, और विष्णु तो पूछा तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। हे वत्स, उठो देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा, विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी को, हे बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो, इसमें तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र कैसे हो गया, क्रोध में बांगा मुंह क्यों कर रहा है तू। ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, हे बेटा, विष्णु जी को ब्रह्मा जी संबोधित कर रहे हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत
मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो, तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। बस तब संपूर्ण देवता विमान में बैठ गए, उस महाअद्भुत युद्ध को देखने आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वाह रे देवता हो, ये हमारे देवता, देवता माने अच्छी आत्माएं। अब दो व्यक्ति लड़ रहे हो तो क्या फर्ज बनता है एक जेंटलमैन का, उनको समझावे बुझावे अलग अलग करे, कहीं इनको हानि ना हो जा। हर हमारे देवता उन भगवाना प्रति फूल बरसावा, कहाँ कर दो काम, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। वह लड़का मरने को तैयार है, देवता फूल बरसावे। ये है हमारे इतिहास जिनको हम पढ़ पढ़ कर बहरे हो लिए सुन सुन के। अब ये तो ऐसे भगवान है जैसे इतनी बुद्धि रखते हैं ये भगवान, जिनको ये शंकराचार्य हमें पूजने के लिए कहते हैं और स्वयं भी पूजते हैं। ये तो एक चौथी पांचवी कक्षा के बच्चे लड़ते हैं ना, फिर अध्यापक पूछता है भाई क्यों लड़ रहे हो, उसने उसका गला पकड़ रखा और उसने उसका, एक कहता है ये कहता है मैं तेरा बाप, वो कहता नहीं जी इसने पहले कहा था मैं तेरा बाप, और गुट्टुम गुट्टा। ये हमारे भगवानों के चरित्र आपके समक्ष इनके इतिहास में है। अब जब ये नू लड़ रहे थे, बीच में सतम खड़ा कर दिया इस काल ने, अकेले लड़के मर जाएंगे भी, तेरा काम अधूरा रह जाएगा। फिर इसने इनको ज्ञान देना शुरू किया, शंकर अपने पुत्र शिव का रूप बना के आ गया, कहीं ये विष्णु रूप धारण कर लेता है, देखना इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं। हम पढ़ रहे हैं विद्वेश्वर संहिता, इसके 17 पृष्ठ पे संक्षिप्त सा देखेंगे, ये देखिएगा। अब 17 पृष्ठ पर आ गए हम, ज्यादा ना पढ़ेंगे, ज्यादा चेता पढ़ सकते हो अपने लेकर मोल इसको। विद्वेश्वर संहिता भाग एक अध्याय 9 में, अब नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार, यहां दिखाते हैं उन दोनों की अज्ञानता, वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा, किसने, वो भगवान, ये क्या बताते हैं कि नंदीकेश्वर बोले कि इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनसे फिर क्या कहा कि उन दोनों के ज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ उन दोनों से कहा। अब यहां ज्यादा ना पढ़ेंगे अपने मतलब का। अब ये शंकर रूप धारण करके आ गया कि मेरे सकल और निष्कल वेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं, इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप यानी पिलर खड़ा कर दिया, और पीछे मूर्तिमान रूप फिर स्वयं आ गया, प्रगट हो गया, धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, वो पिलर खड़ा कर दिया, वो तो कहते हैं निष्कल निराकार है, वो ब्रह्म है, और इस रूप सगुण है, वो फिर शंकर रूप धारण करके आ गया। मेरे दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते, इस कारण तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है वो काल भगवान, इस प्रकार तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरताओं की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम दोनों ने अज्ञानता से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया विष्णु और ब्रह्मा को, कह रहे हैं कि तुमने अपने आप को ईश मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम अपने को ईश माना, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ, उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया, अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मोजीश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ, मेरे ही प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब ज्यादा नहीं, हम यही पढ़ते हैं, जगत का वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म केशव। अब यहां आते हैं, मैं सबका ईश्वर हूं, यह सब मेरा है, मेरे सिवा दूसरे का नहीं है। अब यहां देखो, अब हम 18 पृष्ठ पर पढ़ेंगे, 18 पर
विद्वेश्वर संहिता भाग एक अध्याय 10, ये नौवां अध्याय यहाँ समाप्त हो गया। इति श्री शिव महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम नवमो अध्याय, ये इति हो गया, समाप्त हो गया। और यहाँ ये दूसरा प्रारंभ हो गया। अब यहाँ देखिएगा नीचे क्या कहता है, हे पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। कौन सा कृत? ब्रह्मा और विष्णु को कहता है, पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। ये चार हो गए, ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र और महेश, और पांचवा यू बोल रहे यो कौन? ये काल रूपी ब्रह्म है। अब देखो फिर ये कहता है मेरा एक ब्रह्म ओम नाम है। ये प्रश्न नंबर 19 पर वही विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10, इस कारण उस अज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो, यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा आत्मा है, उसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर के मुख से अकार और पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार और पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार, ये बीच में संस्कृत है, इस प्रकार पांच प्रकार से ये निर्गत हुआ, वह सब एक होकर ओम ऐसा एकाक्षर हो जाता है। अब स्पष्ट हो गया कि ये ओम अक्षर इस सब एवं से एक होकर ये ओम ऐसा एकाक्षर हो जाता है। अभी आपको श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में दिखाया था कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहं सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का ये गीता ज्ञान भी यही काल ऐसे प्रवेश करके श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है जैसे मानदाता के पुत्र प्रकृष्ट में प्रवेश होकर उन गंधर्वों का नाश कर दिया और उधर से प्रुंजय के अंदर प्रवेश होकर असुरों का नाश कर दिया, ऐसे श्री कृष्ण में प्रवेश होकर के अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर दिया और गीता का ज्ञान वेदों वाला और कुछ अपनी अटकल लड़ा के इसमें ज्ञान दे दिया। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।